हेलो बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हो मेरे चैनल पे आज फिर से एक और नई वीडियो। तो भाई मायापुरी में आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ हैप्पी भैया के साथ मिलके। तो हैप्पी भैया थोड़ा आपको बताएंगे कि हैप्पी भैया की जो शॉप है वो किस रिगार्डिंग फेमस है मायापुरी में, तो बताओ भैया। हमारे असल में मायापुरी न्यू ब्लॉक में है, मस्जिद के सामने। हमारा मेन काम है आपका रेटर सेल एंड परचेज प्लस रिपेयरिंग का, और हम प्लस एसी कंडेंसर में भी ए सी कंडेंसर कोई सी भी गाड़ी का हो और कोई सी भी गाड़ी का रेडिएटर हो, कार से लेके बस तक सारे भी है जो अवेलेबल कराएंगे। अभी दिखाता हूँ कि जोन जोन से जो शॉप में पड़े हुए हैं सारे आपको दिखाता हूँ, और कौन कौन सी गाड़ी के लिए आपको मिल जाएंगे, क्या प्राइस रहने वाला है। तो सारी बात स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक बार लॉट दिखाया था पूरी दुकान के अंदर, रेडिएटर और प्लस कंडेंसर जो है अपने सारे भरे पड़े हैं। ये देख सकते हो, ये इंटरकूलर भी पड़ा हुआ है पूरा अपना, और ये देख सकते हो इधर भी रेडिएटर पड़े हुए हैं। और ये देखो भाई, अंदर तक पूरे मतलब रेडिएटर ही रेडिएटर पड़े हुए हैं। ये देखो सारे इंटरकूलर रेडिएटर ऊपर तक देख सकते हो, तो ये भाई आपको दिख रहा होगा। तो हैप्पी भैया, सबसे पहले कौन सी गाड़ी का रेडिएटर जो आप दिखाने वाले हो? i20 Elite डीजल का जी। तो ये रेडिएटर है भैया? ये रेडिएटर। तो ये गाइस आप देख सकते हो भैया, इसकी कंडीशन क्या है, कितना टाइम ये चला हुआ होगा? ये गाड़ी अनफिटेड अनयूज्ड है। अनयूज्ड है जी। तो ये गाइस आप देख सकते हो, कंपनी डैमेज होते हैं, जैसे ये जो डैमेज है हाँ जी, इस वजह से निकले होते हैं, बाकी गाड़ी में यूज नहीं होते। ठीक है, तो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है उसको रिपेयर होता है, उसको उसके रिगार्डिंग निकले होते हैं। तो ठीक है भैया, ये तो हो गया अपना i20 Elite का। तो भैया दूसरा कौन सा दिखाने वाले हो? बाकी यूज्ड में जो होता है वो ये होता है। अच्छा, ये है एक्सेंट के, ये जो एक्सीडेंटल गाड़ी टोटल लॉस के होते हैं, उसके जो हुंडई की जो एक्सेंट गाड़ी जी है जी। ये गाइस टोटल लॉस में से अपना निकला हुआ है, जैसे कि जो गाड़ी स्क्रैप में जाती है तो ये उसमें से निकला हुआ। ये देख सकते हो, ये एसी कंडेंसर, ये पूरा प्रॉपर फिट है, पीछे रेडिएटर है आगे कंडेंसर है। तो देख सकते हो पूरा मतलब प्रॉपर स्नग फिट है, कुछ नहीं करना, चार बोल्ट खोलने हैं और इसको इंस्टॉल कर लेना। बोल्ट सिस्टम इसमें है नहीं, सारा लॉक सिस्टम। अच्छा, वो रिपीट वाला खेल है, बस फिट कर। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अमन भी अभी बैठे हुए अपने। हेलो। तो अभी चलते हैं अपना फटाफट से हैप्पी भैया से, और देखते हैं कि भैया और कौन कौन से जो है अपने पास मिल जाएंगे। जैसे स्पेशल गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये पुरानी गाड़ियाँ होती है थोड़ी बहुत, जो कि दिल्ली में नहीं चलती। दिल्ली में नहीं चलते भैया, जैसे आपका नॉर्मल जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, हाँ जैसे वैगनार वगैरह हो गए, सेंट्रो हो गए, इनके सब पुराने होते हैं। ठीक है, हाँ, इनके कोई अगर जैसे एसी कंडेंसर या इसके रिगार्डिंग अगर कोई कहे कि हाँ हमें चाहिए, ठीक है, पॉसिबल अगर हो पाया न्यू में तो हम न्यू में अवेलेबल करवा सकते हैं, न्यू में, लेकिन उसका एक टाइम चाहिए होता है, टाइम चाहिए। तो बाकी भाई ये देख सकते हो, ये अपना ये भैया ये क्या चीज पड़ी हुई, इंटरकूलर, ये आपका i20 Elite का इंटरकूलर है, ये i20 Elite का इंटरकूलर है। तो देख सकते हो भाई इसकी कंडीशन, मतलब ये देखो भाई, मतलब जितना साफ हो सके उतना वहाँ यहाँ पे आपको मिलने की कोशिश जो है मैं करवाऊंगा। ये देख सकते हो कंडेंसर अपने पूरे पड़े हुए हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अब ये अकॉर्ड गाड़ी होगी, थोड़ा इनमें कंडेंसरों में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो अकॉर्ड अकॉर्ड के अकॉर्ड का जैसे अगर पुराना कोई अवेलेबल हो तो हम दे सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं होता तो इसका भी हमें कुछ टाइम चाहिए होता, हम नए का अगर अवेलेबल हो जाएगा जी, मतलब हर गाड़ी का अवेलेबल हो जाएगा पर थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये गाइस आप देख सकते हो अपना, ये देख सकते हो बोतल भी अपनी पूरी पड़ी हुई है, ये वाटर बोतल है ना भैया? जी, वाइपर बोतल और कूलेंट, ये वाइपर की और कूलेंट की बोतल जो अपनी प्रॉपर ही देख सकते हो, मतलब जो आगे का हुड के अंदर के जो नीचे का सामान होता है सारा ऑलमोस्ट जो है आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हो रेडिएटर हो गया अपना, रेडिएटर की कैप होगी, जैसे कि भैया कई गाड़ियों में रेडिएटर कैप की दिक्कत आती है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या चीज़ वो डैमेज होती है? जैसे कई बंदे कहते हैं कि हमारे रेडिएटर में से पानी जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मोस्टली अगर रेडिएटर का जैसे कैप का जो प्रॉब्लम होता है वो दो रिगार्डिंग होता है, एक होता है कि मोस्टली जो सबसे नॉर्मल होता है कैप होता है, मोस्टली कोई भी जो नोटिस नहीं करता, मोस्टली टैंक की ये चीज़ खराब होती है कॉलर, जब ये कॉलर खराब हो जाए तब भी पानी बैक मारता है, पानी बैक मारता है। और भी जैसे कई बंदे कहते हैं कि हमारा अपना इजीली खत्म पानी तो खत्म हो जाता है रेडिएटर में से, प्लस वो दिखता नहीं है लीक होता हुआ, तो उसका क्या सोल्यूशन है? ये होता है कि गाड़ी जैसे हीट, जब गाड़ी चल रही है गर्म होती है तो पानी वेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसका तो वैसे होता है। बाकी वही है कि खुलने के बाद नॉर्मली जैसे अगर आप हमारे पास रेडिएटर खुलवा के ले आओ, आप कह रहे हो कि पानी कम हो रहा है, हाँ जी, आप अगर हमारे पास लेके आओगे हम चेक कर लेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम होगी तब हम उसमें बता देंगे ये दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूँ तो अपने पास क्लीनिंग की सर्विस जो है वो अवेलेबल है जी। तो रेडिएटर क्लीनिंग में भी है, जो स्प्रिंग होते हैं वो निकाल के दोबारा फिट किए जाते हैं? वो सर असल में स्प्रिंग वाली जो चीज़ है वो पुरानी गाड़ियों में आती है, जैसे आपकी स्टीम हो गई, ठीक है, 800 हो गई, अब जितनी भी आती है उनमें ये स्प्रिंग वाली चीज़ नहीं होती, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये खुला हुआ रेडिएटर, तो मोस्टली ऐसे होता है सर। इसके अंदर अपनी जो बिल्कुल बारीक सी, इसके अंदर हमारे पास एक, तो इसका एक प्रॉपर टूल होता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इसके अंदर जाता है और इसकी पूरी क्लीनिंग होती है, पानी में इसको डाला जाता है और ऊपर से फिर वो जो स्टिक टाइप होती है, तो ये देख सकते हो ये इसकी प्रॉपर स्टिक होती है, ये हमारी जाती है। तो ये गाइस आप देख सकते हो ये इसके अंदर लगा के
अपना जो इसके साइज की होती है ये इससे बड़ी साइज। तो ये गाइस देख सकते हो अपना पूरा जो है टूल है, ये क्लीनिंग करने का टूल है। अगर आपके रेडिएटर में कोई वैसे ही फॉल्ट है जिसका सोल्यूशन नहीं है तो फिर तो आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है साफ करवा के भी अपना काम जो है चल जाएगा। तो अभी अगर मैं और बात करूँ तो और क्या क्या मिल जाएगा अपने पास? और बाकी हमारे पास ज्यादातर हम एसी कंडेंसर इन सब में डील करते हैं, एसी कंडेंसर रेडिएटर में जी। तो गाइस अपना ये देख सकते हो सारी गाड़ियों के मतलब अवेलेबल है। जैसे भी मैं बात करूँ एंडेवर फॉर्च्यूनर सफारी के, तो इनके अवेलेबल अवेलेबल होंगे जी। ये जैसे फॉर्च्यूनर का इस टाइम है मेरे पास, ये फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक अभी वाली का, ये फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक 2019 या 2020 सब सेम ही है अभी तक। तो ये गाइस आप देख सकते हो कंडीशन। तो भैया अगर मैं बात करूँ तो ये कितने टाइम चला हुआ होगा? ये अगर ज्यादा से ज्यादा ये एक साल या डेढ़ साल पुरानी गाड़ी होगी, एक्सीडेंटल हो जाता है। टोटल लॉस में से आया ये जी। तो ये गाइस आप देख सकते हो टोटल लॉस में से अपना आया हुआ है, इसका कुछ नहीं करना। अगर भैया मैं बात करूँ तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप रिपेयर करोगे? नहीं, इसमें सब कुछ चेक है, ये पूरा ओके है। इसमें बस ये है कि जो एक्सीडेंटल गाड़ी थी उसमें से टोटल लॉस में निकल गया, बाकी इसमें कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। तो बाकी ये देख सकते हो भाई पूरा प्रॉपर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं भैया बात करूँ ओल्ड फॉर्च्यूनर का तो वो भी अवेलेबल होगा जी, उसका नए और पुराने दोनों में अवेलेबल है। तो ये गाइस आप देख सकते हो ऊपर तक मतलब रेडिएटर के अपने ढक्कन से लेके सब चीज, ये फॉर्च्यूनर ओल्ड मॉडल का जी। तो ये गाइस आप देख सकते हो फॉर्च्यूनर ओल्ड मॉडल का भी अपने पास जो है अवेलेबल है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कंडीशन देख सकते हो। ये देखो भाई मतलब टैंकी वैंकी, और भैया जैसे कईयों की टैंकी लीक होती है तो कई बंदे कहते हैं कि हमें टैंकी रिपेयर करवानी है, तो टैंकी रिपेयर हो जाती है? रिपेयर नहीं होती सर, टैंक दूसरा डल जाता है, टैंक पूरा दूसरा डल जाता है, ऐसे होते हैं। जैसे ये आपका आईवी टेक है, ठीक है, 2012 तक 2011 तक जो आई है, 2011-12 तक ये उसका है। अगर मोस्टली जब क्रैकिंग होती है यहाँ से क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है, गाड़ी में, तो ये टैंक पूरा दूसरा डल जाता है, पूरा टैंक दूसरा डल जाता है। तो ये गाइस आप देख सकते हो, ये देखो इंटरकूलर। और अगर मैं भैया बात करूं तो ये अपना जैसे कोई स्पेशल किसी ने अगर कस्टमाइज करवाना हो तो कस्टमाइज का आप कैसे करोगे? एक बार जैसे कई बंदे चाहते हैं कि मेरे को रेडिएटर बड़ा लगवाना है या कंडेंसर बड़ा लगवाना, तो वो अपने पास अवेलेबल है सर? जैसे कोई तो गाड़ी में कस्टमाइज होकर लग जाता है, जैसे आपका जिप्सी में है, जिप्सी है। में आपका जैसे जिप्सी का रेडिएटर का हीटअप होता है, ठीक है, तो वो ज्यादातर हमसे बलिनो का लेकर जाते हैं, बाकी वो मैकेनिक पे होता है कि थोड़ा हॉस पाइप का थोड़ा एडजस्टमेंट करके फिट हो जाता है। अच्छा, फिट हो जाता है। तो बाकी भाई ऐसी कस्टम मेड जो है अपना वो भी अवेलेबल है। और भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ये मेरे को नया दिख रहा है बिल्कुल पैक जी। तो ऐसे नए का है, ओल्ड मॉडल का, एंडेवर ओल्ड मॉडल का, जो पिछला लंबा जहाज जो आता था, जो पहले जो आती थी। तो ये गाइस देख सकते हो मतलब अगर मैं बात करूं तो ये नया है बिल्कुल भैया जी, ये वही अनयूज्ड है, जैसे वो आपका i20 का सेम चीज है, ये सेम चीज है। तो भैया नए नए कौन कौन सी गाड़ियों के अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास? सर आपका अभी जितने भी लेटेस्ट है, मोस्ट ऑफ जैसे हुंडई की आपकी एक्सेंट ले लो, अमेज आपके पुराने वाली, अभी वाली का इतना नहीं है, ठीक है, आपकी हुंडई में अभी कोई सी भी ले लो, आप i20 लाइट ले लो, चाहे आप आइटन ग्रांड ले लो, एक्सेंट ले लो, वरना ले लो, इनके डीजल पेट्रोल कोई सा भी हो हमारे पास अवेलेबल में है। कंडेंसर प्लस कंडेंसर भी हम आपको आपको जेन्युइन दे देंगे, गाड़ी में अनफिटेड अनयूज में, जो कंपनी प्राइस है उससे हाफ एंड हाफ में, ठीक है। बाकी यहाँ पे खाली गैस आपको कंडेंसर ही मिलेगा, अगर आप सोच के आ रहे होगी यहाँ पे एसी की जो गैस है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। एसी की गैस के लिए हम सिर्फ एसी का जो गैस सिलेंडर होता है, जो आपसे नॉर्मली मैकेनिक चार्ज कर लेता है कि 800 रुपये या 700 रुपये का सिलेंडर आएगा, वो चीज़ हम आपको दे सकते हैं सिर्फ 300 रुपये में। 300 रुपये में सिलेंडर जो है मिल जाएगा, और आप कहीं पे भी जाके अपना लगवा सकते हो, किसी भी एसी वाले लेबर कॉस्ट देके। उससे आप सिर्फ ये कहो कि भैया गैस भरनी है और मेरा कंडेंसर फिट करना है, ये सिलेंडर आप मैं अपना दे, तो ये वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा कि 600 रुपये या 700 रुपये की गैस अलग से आती है। तो ये गैस आप देख सकते हो। तो भी अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी हो गई या छोटी गाड़ी हो गई, तो उसमें कितने सिलेंडर लग जाती है? एक ही सिलेंडर समझ लेते हैं, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके 2 सिलेंडर से ऊपर नहीं लगता। 2 सिलेंडर से ऊपर सिंगल, अगर छोटी गाड़ी भी आपकी अल्टो है या वैगनार है या स्विफ्ट है, उसमें एक सिलेंडर भी पूरा नहीं लगता, आधा सिलेंडर बच जाता है क्योंकि 280 पाउंड प्रेशर होता है पूरा, तो पूरा 280 पूरा नहीं डलता, ठीक है। तो भी अगर जैसे कई बंदे कहते हैं कि हमारे जो है इतनी जल्दी मतलब कूलिंग नहीं होता, तो वो कंडेंसर में फॉल्ट होता है या मतलब कैसे मैकेनिकली फॉल्ट है? बहुत स्टेप बाय स्टेप होता है, फर्स्ट आता है आपका कंडेंसर की कंडीशन कैसी है, जैसे मैं एक टाइम तो ये गाइस आप देख सकते हो मतलब जितनी नॉलेज हो सकती है वो मिलके जो आपको, जैसे अगर आपके कंडेंसर की हालत ऐसी हो चुकी है, ठीक है, तो फर्स्ट आपकी कूलिंग पे डिपेंड कर जाता है कि आपका कंडेंसर है, ठीक है, अगर आपका कंडेंसर हो जाता है उसके बाद बात आती है आपकी कूलिंग कॉइल पे, देन आपके जाता है कंप्रेसर पे बात। तो ये गाइस देख सकते हो ये डैमेज में है, मतलब फ्रंट आपका, अगर ये ऐसे गाड़ी में फ्रंट होता है, हाँ जी, अगर इसकी हालत ऐसी हो रखी है तो समझ लीजिए कि आपका कंडेंसर वीक है, इस वजह से कूलिंग नहीं होगी, कंडेंसर वीक है।
तो ये गाइस आपने देख लिया है भाई, जितनी नॉलेज हो सकती है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये देख सकते हो रेडिएटर, इंटरकूलर और अपना पूरा कंडेंसर जो है अवेलेबल है, किसी भी गाड़ी का हो आप ले सकते हो। इंटरकूलर ये देख सकते हो, जैसे किसी को थोड़ा बड़ा इंटरकूलर चाहिए, बाकी कस्टमाइज सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी सब मैकेनिक के ऊपर खेल बनता है कि मैकेनिक कैसे आपका लगाता है, कैसे नहीं लगाता, या वो लगा पाता भी है या नहीं लगा पाता, तो सारी चीज़ जो है उधर से खेल होती है। बाकी जो है ये देख सकते हो नए से लेके पुराने तक सारे अवेलेबल है। बाकी अगर आपको नया चाहिए तो नया भी मिल जाएगा, बाकी जैसे कि कंपनी में थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस में मिलते हैं, पर यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल लो प्राइस में मिल जाएगा जितना कम से हो सके। तो जैसे कि आपको मैंने सारे रेडिएटर दिखा दिए, अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए या कोई भी आपको किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा होगा, वहाँ पे जाके आप किसी भी गाड़ी का नाम और अपना जैसे भी जोन से भी आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये चाहिए तो वहाँ पे आप ले सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने सारा आपको दिखा दिया, ये देख सकते हो। सो गाइस जैसे कि आपने आज की वीडियो जो है देख ली है, आपको रेडिएटर, कंडेंसर, अपना बॉटल, वाटर बॉटल और मतलब जितना भी वाइपर के रेडिएटर की बॉटल्स जो होती हैं सारी जो है मैंने आज आपको दिखा दी कि मायापुरी में ये भी सामान जो मिल सकता है। अगर भी मैं मोटी मोटी बात करूँ तो यही सामान अगर कोई बंदा बाहर लेने जाए तो कितना डिफरेंस आ जाएगा न्यू में और मायापुरी में? 60% का फर्क है। 60% मतलब 50-50 भी नहीं, 60% का। जैसे कि आपको हर गाड़ी का बता दिया है, अगर कोई से अभी लेना हो तो अमन भी एक बार बता दो उनको क्या करना पड़ेगा। अगर किसी भी गाड़ी का कंडेंसर आपको किसी भी गाड़ी का कंडेंसर चाहिए तो हमारी जो इंस्टाग्राम मतलब कि जो हमारी आई डी है उसके ऊपर उसी गाड़ी का हमारे को नाम बताइए, आप मैसेज करो, हम आपको जो है अवेलेबल करवाएंगे मायापुरी में से अपना। अगर आपको न्यू चाहिए तो न्यू भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर सेकंड हैंड चाहिए तो सेकंड हैंड भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी गैस के सिलेंडर दिखा दिए हैं, वाटर बोतल दिखा दी है, रेडिएटर बोतल दिखा दी है, इंटरकूलर दिखा दी है, कोई सी भी गाड़ी का, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, मारुति 800 तक आपको सारी गाड़ियों का जो सामान है वो अवेलेबल करवाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ पे जाके आपको अपनी गाड़ी की डिटेल्स भेजने के, भैया मेरे को ये सामान चाहिए और कंडीशन ऐसी चाहिए मेरे को। मेन कंडीशन का खेल होता है, क्योंकि अगर आप कंडीशन अच्छी लोगे तो वो थोड़े बहुत प्राइस जो है नेगोशिएबल हो जाते हैं, पर कॉस्टिंग के ऊपर वेरी करता है कि हाँ भाई ये सामान इतने का है या इतने का है, तो सारी चीज़ उसकी बात होती है। बाकी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपको पहुँचा दी, अगर किसी भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई सा भी डिटेल आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। करते हैं फिर आज की इस वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेके।